हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हिना यास्मीन, एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज मैं आप लोगों को झड़ते बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी उसके बारे में बताऊँगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हेयर फॉल की समस्या के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी और उनके जो पिक्यूलियर जो मेन सिम्टम या लक्षण होते हैं उनके बारे में बताऊँगी। इन लक्षणों के अनुसार आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप बताई गई मेडिसिन को यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है थूजा। अगर आपके स्कैल्प में, आपके सिर में डैंड्रफ हो, बहुत ज़्यादा रूसी हो, सिर की त्वचा आपकी बहुत ज़्यादा रूखी है, ड्राई हो, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो और ड्रैंडव की वजह से, रूसी की वजह से आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप थूजा दवा 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ दो बार सुबह खाली पेट 5 से 6 बूंद कुछ महीनों तक इसे कंटिन्यू लेते रहें। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, दूसरी दवा है एसिड फॉल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन की वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हों तो आप एसिड फॉल दवा 30 पोटेंसी में 5 से 6 बूंद रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम कुछ महीनों तक ज़रूर लें। ये इस समस्या के लिए एसिड फॉल दवा बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव है। तो तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद या फिर डिलीवरी हो जाने के बाद या फिर अगर फीमेल को ओवरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की खराबी है और उस वजह से अगर उनके बाल झड़ रहे हों, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हों, सर के जो बीच का पोर्शन होता है वहाँ से बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हों, साइड के बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हों, तो इस समस्या के लिए आप लाइकोपोडियम दवा 200 पोटेंसी में सुबह शाम 5 से 6 बूंद कुछ महीनों तक ज़रूर लें। और साथ ही आप एसिड फॉल दवा 30 पोटेंसी में ये भी साथ में कुछ महीनों तक लगातार ज़रूर लें। इसका असर आपको बहुत जल्द देखने को और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो चौथी दवा है नेट्रमम्यूर। अगर किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान हेयर फॉल हो रहा हो, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो, तो नेट्रमम्यूर दवा 6x पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में आप 2 से 3 गोली ले लें और उसे घोल करके सुबह शाम 2 टाइम ज़रूर लें। ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, आप इसे बेफिक्र होकर ले सकते हैं और आप इसे कुछ दिनों तक ही ज़रूर लें। तो नेट्रमम्यूर 6x पोटेंसी में आप कुछ दिनों तक ज़रूर लें, इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो पांचवी दवा है फॉस्फोरस। अगर किसी भी व्यक्ति के बाल गुच्छों में झड़ रहे हों, चाहे साइड के बाल हों, माथे के बीच के बाल हों या किसी भी साइड के बाल हों, अगर वो गुच्छों में निकल रहे हैं, गुच्छों में झड़ रहे हैं, तो ऐसी हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए आप फॉस्फोरस दवा 200 पोटेंसी में हफ्ते में सिर्फ 2 बार 5 से 6 बूंद सुबह खाली पेट इसे कुछ महीनों तक लगातार ज़रूर लेते रहें। ये आपकी समस्या के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे आखिरी और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। ये सबसे बेस्ट और हाईली रिकमेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। और अगर किसी को बाल्डनेस या फिर एलोपेसिया या फिर गंजेपन की समस्या है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को भी बालों में रीग्रोथ के लिए की प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनके बाल फिर से ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो रीग्रोथ के लिए भी ये फ्लोरिक एसिड मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को बुखार होने के बाद या फिर टाइफाइड की वजह से अगर उनके बाल झड़ गए हों तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे हों, बहुत ही ईजिली टूट जाते हों, तो फ्लोरिक एसिड मेडिसिन 30 पोटेंसी में 5 से 6 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार इसे लेते रहें। कुछ महीनों तक इसे लगातार लेना पड़ेगा तभी ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। तो फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में आप ज़रूर लें, ये सबसे इफ़ेक्टिव और हाईली रिकमेंड मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। ये सारी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप अपने सिम्टम्स या लक्षणों के अनुसार इस मेडिसिन को लें और साथ ही अपने खान पान में भी ज़रूर सुधार करें। अपने खान पान में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 को ज़रूर शामिल करें और बाल धोने से पहले अपने बालों में तेल मालिश ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे किसी भी होम्योपैथिक दवा से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।